ये राजस्थान है, राजस्थान का बांसको गांव है और ये बस्सी विधानसभा है। चलते चलते हम राजस्थान में बस्सी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, इन सब से बात करेंगे कि चुनाव किस तरफ को जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार लहर भाजपा की होगी या एक बार फिर से कांग्रेस को रिपीट होने का मौका मिलेगा? गहलोत कर रहे हैं साहब, गहलोत ने काम बढ़िया कराया है। बढ़िया काम किया तो जो गहलोत ने काम बढ़िया किया है वोट भी उसे मिलेगी? मिलेगी। अच्छा जी, और कुछ बताइए, कुछ काम उनके कौन से काम आपको अच्छे लगे जी? अच्छे तो गहलोत का ही लग रही है सब। गहलोत के सारे काम, बूढ़ा नैन, नया नैन, जवान नैन, खाबा नैन, पीबा नैन, सब ने फ्री कर रखे। अच्छा अच्छा, मतलब आम आदमी के लिए बढ़िया सारी सुविधाएं दे रखी, सारी सुविधा दे रखी, इसलिए आपको कांग्रेस का गहलोत साहब की तरफ को जाना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत जी। आप अपना बात है जी, वाई बात बता दे तो भी वाई चलो। नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, बाबू जी ने कहा दिया, जो उनकी बात है वही मेरी बात है। मतलब ये भी एक तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 100% कांग्रेस, लक्ष्मण जी की जीत है पूरी। मतलब ये जो जीत होगी आप बता रहे हैं लक्ष्मण जी की जीत होगी कांग्रेस की, है ना? विकास की जीत होगी। तो विकास की जीत है या गहलोत जी की जीत है या लक्ष्मण जी की जीत है, किधर जा सर? गहलोत क्या है? गहलोत की जीत है, गहलोत जी की जी। तो यहाँ के जो आम आदमी है गहलोत साहब से खुश है? खुश है, 90% खुश है सर। अच्छा जी, 90% खुश है। तो भाजपा से भी क्या दिक्कत है? नहीं भाजपा से नहीं, विकास मुद्दा होता है, विकास विकास है, विकास काफ़ी हुआ, शिक्षा में विकास हुआ। अच्छा, कॉलेज, ये कॉलेज बनी बन गई। अच्छा, काफ़ी विकास हुआ सर, रोड बने। यहाँ पे जहाँ पे भी जा रहे हैं गहलोत साहब की कोई ज़्यादा लोग बुराई नहीं कर रहे, जो बीजेपी के लोग हैं वो भी थोड़ा सा गहलोत साहब के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी इतने लोग हैं, जितने लोगों से बात करी है अभी भैया से पूछ लेते हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी का माहौल लगता है उन्हें? भैया बताइएगा जी। सर हमारे कांग्रेस का माहौल बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हमारे गाँव बहुत विकास हुआ है, हॉस्पिटल बन गया, कॉलेज बन गई, बहुत रोड बन गए, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। देखो अब आप बता रहे हो कि गांव में विकास हो रहा है, आपके शहर में विकास हो रहा है, लेकिन देश में मोदी जी का नाम चल रहा है, दुनिया में मोदी जी का नाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो फायदा मिलना चाहिए ना? मोदी जी भी तो कुछ काम कर रहे होंगे जी। सर हमारे तो गहलोत जी को ही देंगे, गहलोत जी से ही हमारे लिए। सर ये राज्यसभा के चुनाव है, लोकसभा में देखेंगे। अच्छा, यहाँ तो विधानसभा के चुनाव है, यहाँ तो गहलोत जी बहुत बेस्ट है। अच्छा, राज्यसभा में तो गहलोत जी बेस्ट है सर। अच्छा, लोकसभा की देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की तरफ नहीं ले? मोदी जी से प्यार नहीं है? मोदी जी से, मोदी से प्यार है लेकिन वोट कांग्रेस को है। अच्छा, थोड़ा बताओ कि कांग्रेस से क्यों लगाव सा हो रहा है आपका इतना? कांग्रेस से भी। अच्छा बाबू जी, कांग्रेस को चेंडो तो सारे माहौल, पहली बार कांग्रेस को वोट दे रहे हो या पहले भी? पहले से कांग्रेस में चल। अच्छा, शुरू से ही मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है, ये बनने लग रहा है। राम मंदिर बनवा दिया तो पाँच देख लेना आप, कान पे लोकसभा का पड़ ला। बाबू जी कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया उसे, लोकसभा में देखेंगे, अभी फिलहाल जो है विधानसभा का चुनाव है, तो ये भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं बाबू जी। कांग्रेस या भाजपा? भाजपा भाजपा। देखो कई वोट से कई लोगों से मिल के आया हूँ, तो अब ये बाबू जी मिले हैं, ये भाजपा के हैं, इनसे कुछ पता चलेगा कि भाजपा से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये बताएंगे। भाजपा क्यों जी? भाजपा ने मोदी ने सुविधा करी सब, राम मंदिर बना दिया और राम को छह मारा। अच्छा, मैं बैठ गया हूँ यहाँ। बाबू जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सुविधा करी है, राम मंदिर बना दिया, और मैं पीछे बात कर रहा था, कह रहे कि राम मंदिर वहाँ बनाया उत्तर प्रदेश में, वो बाद में देखेंगे, ये कह रहे हैं बहुत फ़ायदा करा है, राम मंदिर बनाया है। खुश है मोदी से? खुश है। अच्छा, अगर मोदी जी की यहाँ पे सरकार आ जाते, सीट जीत जाते हैं जी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है यहाँ पे? मुख्यमंत्री का तो कोई चेहरा नहीं है अब, वो तो देख ला फिर आंवला जीत चेहरा का। अच्छा, चेहरे से कोई मतलब नहीं आपको, मोदी जी जीतने चाहिए? हाँ, चेहरों की कोई बात हाँ, कोई ना कोई तो आएगा। हाँ, पर यहाँ पे आपके लिए जो है मुख्यमंत्री की बड़ी बात नहीं है, आपके लिए मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हो आप हैं मोदी। अच्छा बाबू जी, कांग्रेस या भाजपा?
हाँ कांग्रेस में ही चल रहा हूँ। आप कांग्रेस में जा रहे हो? हाँ कांग्रेस का। भाजपा से क्या दिक्कत हो गई जी? हाँ भाजपा से क्या दिक्कत हो, मोदी से क्या दिक्कत हो गई? नहीं कहीं भी दिक्कत कौन सा। हाँ फंड में कांग्रेस में ही जा रहा हूँ। अच्छा हाँ गहलोत साहब के काम हैं या यहाँ उम्मीदवार के अच्छे हैं यहाँ पे? अब यह काम वाम तो कौन देखूँ मैं तो, वहाँ काम से जो कर जाऊँगा। अच्छा बस अब वो तो देखो जो जीतेगा जो करेगा व्यवस्था तो वो भी करेगा। हम भाजपा को ही समर्थन करना चाहते हैं, हम कांग्रेस में वोट नहीं देंगे। अच्छा मतलब है कि मैं कांग्रेस ने हमारे लिए अच्छा काम किया है, बिजली का बिल फ्री किया है और गहलोत साहब ने है ना जो दवाइयाँ फ्री की है और 25 लाख तक का बीमा है मतलब दवाइयों के अंदर, वो यही कहना चाहूँ मैं। देखिए ये चुनाव होता है, भाई साहब ने बताया कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन काम सारे गहलोत साहब के बता रहे हैं बहुत सारे गहलोत साहब ने, लेकिन इन्हें वोट देनी है भाजपा को। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? ने यहाँ की कुछ बढ़िया काम किया है, लाइट फ्री की है, कोई काम है विकास हुआ है, फिर हमारा एम एल ए सही नहीं है, विकास सही हुआ है, विकास भी सही हुआ है, गहलोत जी का काम भी बढ़िया है। पहले एम एल ए साहब भी लक्ष्मण जी आते हैं लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं है। यहाँ यूट्यूब पे देखो आप सर्च करके गालियाँ निकालते हैं। मैं तो वहाँ से हार के आया हूँ। नहीं वो मत दिखाओ आप। आप कह रहे हो कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गहलोत जी बढ़िया है, लेकिन उन्हें बोलने का तरीका उनका सही नहीं, आप ये बोल रहे? नहीं नहीं लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी का, गहलोत जी के लिए नहीं बोल रहा मैं। अच्छा लक्ष्मण जी का तरीका बोलने के लिए सही नहीं है। बाकी वो कोई भी काम के लिए कोई भी जाता है तो काम के लिए ही जाएगा, तो उसको है ना ऐसे बोलते हैं मैं नहीं इस पे सहन नहीं करूँगा, वहाँ से तो बेंचों में हार के आया हूँ, ऐसे गाली वाली देने का तरीका अलग है। बाकी कांग्रेस अच्छी वो है, कांग्रेस को समर्थन करते हैं अपन तो, लेकिन मैं वोट बीजेपी को दूंगा। चलो इस बार जो माहौल जो है कांग्रेस का दिखाई दे रहा है भाजपा का लग रहा है जी? भाई साहब कांग्रेस को माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, तो कांग्रेस ने जो किया है जो भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा और गहलोत जी आगे भी बढ़ेंगे ना तो ये सारी जनता को भी फायदा दे रहे हैं। अच्छा मेरे अकेले को नहीं दे रहे हैं, सारी जनता पूरी पूरी राजस्थान की जनता को। अच्छा जी और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं बड़ा मुख्यमंत्री आज तक जो मैंने देखा नहीं, आते हुए मुख्यमंत्री नहीं देखा गहलोत जी के का? नहीं ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा मैंने, अब जो गहलोत जी ने जो काम किया ना वो किसी ने नहीं किया। काम बता दो एक दो। अरे काम सारा ही सड़का फटका सारा रोड सारा सर्टिफिकेट सब ने दे दिया, गरीबा की दुआई इंश्योरेंस सारो सब कुछ कर दियो, लेकिन गहलोत जी ने जो काम किया ना वो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई से भी राज्य में नहीं किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मांगीलाल जी। हाँ जी मांगीलाल जी, ये चुनाव है 25 तारीख को। अच्छा, है अच्छा जी। गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा जी। अब चुनाव आपको किस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है, माहौल कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है या भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? सब बराबर को ही जाए, बराबर का है। हाँ। तो थोड़ा सा कुछ लग रहा हुआ हिसाब किताब आगे पास सब आगे पाचे भी जाते नहीं मैं तो आगे पाचे ही रहते। अच्छा जी, तो गहलोत साहब की तरफ को झुकाव है या मोदी साहब की तरफ को झुकाव है थोड़ा सा? अब साहब गहलोत तरफ की जुगाड़ जाए, गहलोत साहब की तरफ। हाँ जी मतलब क्या अच्छा ही लगी उनके आपको? अच्छी अच्छी बात है जी। आम लोगों के लिए कैसे हैं? आम लोग बढ़िया, कुछ काम कर रहे हैं जी? काम कर रहे हैं सब। हाँ? सब काम तो कर कुछ रहे। ऐसी सुविधा है जिसका आपको सीधा सीधा फायदा मिला, कोई ऐसी चीज़? सब हमको पेंशन मिल रही, नाज मिल रहा, फ्री का सब काम मिल रहा, तेल लूण पतकाली मिल रही है, और कहीं चाहिए सब ये मतलब कुल मिला के आप गहलोत साहब से संतुष्ट हो जाए? सब कुछ मिल रहा जमान जी। बाबू जी आप भी, आपको क्या मानना है जी, किधर को जा रहे हो आप? मैं तो बोल बे कोशिश किया हूं, तू बोल लेगा ना यार तू। अच्छा जी चुनाव किधर को नजर आ रहा है आपको, भाजपा की तरफ को या कांग्रेस को? कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस सर, कांग्रेस को दिखाई दे रहा है जी। हां तो किस बात से कांग्रेस की तरफ को जा रहे हैं? अभी तो प्लान ठीक करके जान ठीक मार रहे हैं जी, अभी हमको समझा मैं तो। अच्छा काम सही है जी, सही है रे काम, सही है रे। अच्छा अच्छा गवर्नमेंट की स्कीम को लाभ मिल रही है चेक न चेक। बाबूजी बताइए किधर को चुनाव जाएगा, भाजपा को कांग्रेस को क्या होगा? हमारी राय तो कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जा रहा है जी, क्या खूबी है जी कांग्रेस में, मतलब किस चीज़ से आप प्रभावित हो रहे हैं? नहीं कांग्रेस में तो खूबी क्या है, कांग्रेस बढ़िया शासन चल रहा है गहलोत का ही। अच्छा लोगों को राशन पानी दिया है ही, दवाएं दी है, सब फ्री है इस टाइम पे क्या है? उनके सामने जो टक्कर पे है चेहरा मोदी जी का है जी। हाँ चेहरा मोदी जी का, चंद्रमोहन जी। हाँ
जो बीजेपी है की तरफ से है, तो इधर तो गहलोत जी हैं, उधर कोई भाजपा का चेहरा तो है नहीं मुख्यमंत्री का, अभी बताया नहीं उन्होंने, तो खुद मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगी जा रही है जी। तो उनकी तरफ कुछ लग नहीं रहा कि दुनिया में उनका इतना नाम हो रहा है? अब हो रहा तो ये स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल की बात है, ये स्टेट लेवल की बात है। अच्छा, तो उनका जो चेहरा है वो नहीं चलेगा? यहाँ सेंट ये स्टेट वाला ही चलेगा जी। उन्होंने मोदी जी ने भी सुविधा दे रखी है, बता रहे लैट्रिन बहुत बनवाई है, और लैट्रिन भी बनवाए मोदी जी ने, बनवाए मोदी जी किसान निधि पीएम किसान निधि योजना से 2000 रुपये डाले हैं, लेकिन ज़्यादा सुविधा गहलोत ने दे रखी है नहीं। अच्छा, तो यह गहलोत को देंगे सपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे एक अखबारों में भी आ रहा है हर जगह कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हाँ जी, बड़ा काम करवा रहे हैं मोदी जी, तो उसका असर है यहाँ पे थोड़ा बहुत या नहीं चलेगा? भाई मंदिर वाला तो बहुत पुराना मसला चल रहा है, जो चल ही रहा है जी, ये तो आगे तक चलाते रहेंगे बीजेपी वाले जी। अच्छा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है जी, इसको बंद तो करेंगे नहीं। हाँ, वो तो बंद हो जाना चाहिए, अब तो मंदिर वाला मुद्दा तो ही नहीं, वो बंद हो जाना चाहिए। हाँ। और जो वोट जो मिलेगी वो विकास के मुद्दे पे मिलेगी, विकास के मुद्दे मिलेगी, और विकास गहलोत साहब ठीक कर रहे हैं, गहलोत साहब ठीक कर रहे हैं, और हमारे तो जो MLA इस टाइम पे वक्त जो चुनाव लड़ रहे हैं उसने बस्ती का तो विकास किया ही है। अच्छा भाई, आज के 20-30 सालों में विकास नहीं हुआ जो पहली बार विकास हुआ है। अभी लक्ष्मण सिंह लड़ रहे हैं, कौन है यहाँ पे? हाँ लक्ष्मण जी, हाँ लक्ष्मण जी हैं आपके यहाँ पे विधायक जो उम्मीदवार हैं। हाँ अच्छा, ठीक आदमी है, ठीक आदमी। हाँ, किसी ने बताया कि नहीं बोलते बोलते गलत बोल जाते हैं बीच बीच में? अब उनकी जो प्रवृत्ति पुलिस लाइन में रहते हैं उनकी प्रवृत्ति तो है, जो तो है ही। अच्छा, वो तो गलत तो क्या है, वो सही है उनकी तो ही कह। अच्छा, देते हैं, कहने में क्या बात है उसमें। अच्छा, खरी बात कहते हैं, खरी बात बोलते हैं, खरी बात में गुस्सा सबको आता है। अच्छा, तो लोगों को गलत लग जाती है? गलत लग जाता है, बाकी काम बढ़िया किया उन्होंने। बाबू जी, हाँ जी, हाँ कांग्रेस या भाजपा? हाँ जी, आपने तो वो सही थे, वही सही थे। कौन सी? अब कांग्रेस ही, कांग्रेस ही मोदी जी से क्या? वो तो दोनी कर लिया था, क्या करवा को तो मोदी जी का कुछ यहाँ पे रुझान सा नजर नहीं आ रहा, मतलब जितने 3-4 लोग से बात करी है सब उनका भी पड़े ला वोट, तो अब तकदीर से या तो कौन को जागे से, उसका काम सेंटर का, ये सेंटर का। अच्छा, यहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव जो है केंद्र का चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव है, तो इसमें गहलोत जी की तरफ कोई यहाँ पे जो लोग हैं अपना रुझान दिखा रहे हैं, और बाकी कुछ और मौजूद लोग और भी हैं उनसे भी बात करते हैं। काम तो सबका ही। बाबू जी, हाँ जी, भाजपा या कांग्रेस? देखो हमारे यहाँ है कांग्रेस, हमारे को कुछ शांति दी है, शांति दी है। हाँ, हर चीज़ में, गाँव में सब में हल्दी मिर्ची तेल पानी सब हमारे को दे रहे जी, और हमारा कार्य कर रहे हैं। क्यों के अब तक तो मन ठीक ठाक ही रखे थे, अब आगे का अब देखो कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है, इसकी तो मुख्य जवाब भरी दिया। क्यों कांग्रेस ने को परेशानी हमारे को उन्हें नहीं दीजिए, पर अब पहल सिंह भी आते हैं, सभी आते हैं, ऐसी बात कौन, और मौके पे कोई काम के लिए बोलो तो काम भी होता हो गया। अच्छा, हाँ जी, आगे कब कैसे खरीदे भाजपा आवे कैसे आवे सरकार कांग्रेस आवे इसका कोई जवाब नहीं, ये बात है जी मेरा। अच्छा, कुल मिला के गहलोत साहब से आप खुश हैं जी? हाँ, और जी नहीं क्या लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी तो क्या किसी का दलाली नहीं खाता है। अच्छा, वो खरी खाता जब वो सबको थोड़ा दुख हो जाता ये सब है, होता है किसी का, क्योंकि जो सुनने में आया ये बीच में गाली गलौज की भाषा भी नहीं 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 हम तो सुने नहीं, और लोग को कुछ क्या बोलो कोई क्या बोल हमारे क्या मतलब, हो सकता है साफ बोलते हो तो लोगों को पसंद आती हो, गाली समझ लेते। मैं तो साफ सुना था, साफ ही रहा था जी जी। अब आगे हम क्या पता हूँ कोई जाके तो बैठते नहीं, लक्ष्मण जी गाली काटता है गप्ता काटता है कैसे कह दिया, नहीं कर सकते। हाँ ये बात है। हाँ।